मिठाई तो आपको खिलाएंगे, आपने कमाल कर दिया वहाँ। दादा जीत मिली है बड़े बहुत वोटों से। अरे वो तो मिलना ही था यार, 50,000 वोटों से जीत गई। वो तो रिकॉर्ड हो गया, मिलना ही था उपचुनाव में। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड। क्या कहिए, कुछ बोल दीजिए, बधाई दे दीजिए। क्या बधाई, बधाई दे। जीत मिली है, आधिकारिक घोषणा हो गई। हाँ हो गई आधिकारिक घोषणा, आपके माध्यम से ही पता चलेगा। बड़े वोटों से 40 से 50 हज़ार वोटों। बहुत खुशी की बात है और हम बधाई देंगे। अगर 50,000 वोटों से जीत मिली है तो बड़ी बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव हारे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं। ये अब कमी कहाँ रह गई? कमी जनता, देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में चाबी होती है। इस लोकतंत्र में जो भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तो जनता ने किस सोच के तहत चुना, जनता ने किस सोच के तहत मतदान नहीं किया है तो जनता बताएगी। हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आए और हमने काम भी इतने किए हैं धरातल पर जिसका फलाफल हमें मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर चुनाव जीत गए हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं और आज भी हम 4-1 से आगे चल रहे हैं। मंत्री जी, लेकिन ये हार किसकी है, कांग्रेस की है या सरकार की है? यह है, देखिए हार होती है राजनीतिक दल की, सरकार की नहीं। तो ये क्या लगता है कि ये नियोजन नीति जो चली सरकार, बताएंगे, आते हैं फिर बताएंगे। आप ही के पास प्रश्न भी है, आप ही के पास उत्तर भी है, तो फिर पूछते क्यों? नहीं नहीं आप बोलिए, क्या आप ही बोलिए, बताइए। हार जीत लगा रहता है चुनाव में और बाई इलेक्शन में पहली बार हार हुई है, लेकिन अब पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। जिस प्रकार से जनता ने वोट नहीं किया, खास करके अल्पसंख्यक ने वोट नहीं किया, और अब क्यों नहीं हुआ ये तो हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और पता लगाएंगे क्यों नहीं अल्पसंख्यक ने वोट किया, क्या कारण है इसके पीछे भी जाने का सकता है। योगिंदर साहब कहाँ से आ गया वहाँ? मैंने कहा कि अल्पसंख्यक ने वोट नहीं किया तो उसको आप क्यों ये कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना है? इस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित किया गया है, उसका असर है क्या? क्या लगता है कि ये जो राजेश ठाकुर जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में ये अल्पसंख्यक पर FIR हो गया, आप पर आपको बदनाम किया गया, ये सब का असर है क्या? पार्टी में अंदर अल्पसंख्यक पार्टी में आक्रोश क्यों है, क्या है? आदिवासियों में भी आक्रोश था तो ये सारी बातें हमें लगता है कि उचित प्लेटफॉर्म में हम लोग रखेंगे और हमारा जो वोट बैंक नहीं खिसके उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, इस दिशा में बात करेंगे। हमारे प्रभारी महोदय से भी हम लोग बात करेंगे कि ये अच्छा संकेत नहीं है। पार्टी, राहुल गांधी जी सब कुछ जोड़ने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो सबको लेके चल रहे हैं, पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी थोड़ा बिखराव था, अगर हम लोग उसको एक करके लड़ते तो मैं तो अच्छा इसका लाभ मिलता। क्या लगता है इस हाथ से प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे? लग रहा है कि वो जो कॉन्सेप्ट है चुल्ला प्रमुख का वो काम आया है मेरे पार्टी का। एक निचले लेवल में हम लोग, ये पहला पार्टी है जो कमिटमेंट के साथ राजनीति कर रही, हम लोग ने एक नया लाया था और हम लोग ने नया, हमारे पार्टी में ये कॉमन वर्स ये चल रहा है अभी,
हम सभी लोगों ने तय किया है और हम लोग उसी आधारित काम करते हैं। विकास आधारित जिन विषयों के साथ जनता तक जनता से अपील करते हैं उन विषयों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व हम लोग लगा देते हैं। यही तैयारी रहती है तब जाके खड़ा होकर डेवलपमेंट इशू पर बात करते हैं। पूरे चुनाव को भावनात्मक रूप से लड़ने की कोशिश उनकी रही है लेकिन हमने अपने एजेंडा से हम लोग खड़े रहे और हमने कहा कि रामगढ़ हम लोग लड़ेंगे और रामगढ़ हमारी पूरा डेवलपमेंट रामगढ़ के विकास 15 साल का जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ नेतृत्व प्राप्त हुआ 15 साल में हम किए हुए कार्य के आधार बनाकर हम आगे गए। हम कभी भी राजनीति में ओछी राजनीति हल्की राजनीति हम लोगों ने नहीं की। सीधे सीधे पब्लिक को उसी इशू पर हम लोग ने रखा और पब्लिक ने इसको स्वीकार किया है, विकास की राजनीति को स्वीकार किया। कुछ बोलना चाह रहे थे रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी रहे थे लेकिन ये चुनाव अभी माहौल चीज़ें बदली हैं और हम लोगों ने चीज़ों को रखा है, प्रस्तुति उसी रूप से रही है और संयुक्त हम लोग अभियान में रहे, अच्छा जीत हुआ। 24 को किस तरह से देखते हैं आप? मैंने कहा इशारा होगा, ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जीत, छोटा मोटा जीत होता तो आप बोलते हैं कि ये गणित, इसमें गणित कुछ नहीं है। उनका जितना वोट आसपास होगा, अंततः रिजल्ट आप देखिएगा, जितना वोट उनको प्राप्त होगा लगभग जीत का आंकड़ा उसी के थोड़ा आसपास रहेगा। हम लोग ने अपना टारगेट खुद तय किया था, पार्टी ने तय किया था कि आपकी बार 1.5 लाख पार। हम लोग ने अपना हमारे चूल्हा प्रमुख के साथ हम लोग सामूहिक शपथ लिए थे कि इस बार का पार्टी का टारगेट होगा कि हम लोग 1.5 लाख आंकड़ा को छुएंगे और लगभग आप अभी देखेंगे जब आएगा परिणाम पूर्ण तो हम उसी आसपास में रहेंगे। अच्छा, हम आप इसको अलग अलग करके ना देखिए, हम जब साथ लड़े हैं साथ आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से हमारा सहयोगी, मैंने एक एक कार्यकर्ता का भी आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, 5 में ये एक ही चुनाव आप लोग जीते, वो आज से जीते, तो 24 में आपकी दावेदारी लग रहा है कि मजबूत होगी? देखो, इसमें कहानी किस्सा बनाना उचित नहीं होगा लेकिन अभी वर्तमान रामगढ़ की जनता को सलाम, और रामगढ़ ने इतिहास रचा है और राज्य के भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया है। जान रही थी कि आज आप देख रहे हैं कि सरकार राज्य में ना स्थानीय नीति है ना नियोजन नीति है। जो सरकार बार बार कह रहे थे कि हम साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे लेकिन वो कुछ देना तो छोड़ दीजिए, नियोजन नीति तक ठीक से नहीं बना पाई सरकार। और जो बनाए थे उसका हम लोगों ने शुरू दिन से कह रहा था कि ये गलत है, ये टिकेगा नहीं, और वही हश्र हुआ। इसलिए आप नौजवानों ने भी समझ चुका है कि सरकार सिर्फ राजनीति करती है, राजनीति गोटियां सेक रही है। अब इनके भुलभुलाए में झारखंड की जनता ना नौजवान अब नहीं आने वाली। 2016 अब क्या लाने की तैयारी कर रहे हैं उस पर मैंने पहले तो आएगा उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। भाई, अखबार में छप रहा है उसके आधार पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या ला रहे क्या नहीं ला रहे। देश में 3 राज्यों में चुनाव नहीं, मैंने तो कहा कि देश में जो शानदार विजय हुई है, आपने देखा कि तीसरे में भी पिछले दफा तो 2 ही सीट थी बीजेपी के पास, इस बार तो शायद कितना सीट आए? नहीं नहीं भाई, मेघालय में 5 तो पहले जो सीटें थी 2 उससे तो अधिक हुआ ना। और मैं कह रहा था कि देश में शानदार जीत हुई है और 2024 का ये तो आगाज। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।